पतली रस्सी पर चलते नजर आए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ। आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा स्लेक लाइन का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्लेक लाइन का हो रहा प्रशिक्षण। मुंबई से पहुंचे विशेष स्लोक लाइन के प्रशिक्षकों ने आज आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में गरियाबंद जिलाध्यक्ष नीलेश क्षीरसागर एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल की उपस्थिति में बच्चों से कहा, स्लोक लाइन सीखने वाले बच्चे बेहद जल्दी ध्यान एकाग्रचित करने, लक्ष्य की तरफ बिना बाहरी भटकाव के चलने तथा एक पतली रस्सी पर चलने की तरह जीवन में भी सटीक बैलेंस करने का हुनर सीख जाते हैं। खास बात यह रहा, शुभारंभ पर जिले के कलेक्टर तथा जिला पंचायत सीईओ ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ रस्सी पर चलने का प्रयास किया, जिसके चलते बच्चों में भी काफी उत्साह जगा। राज्य शासन की विशेष प्राथमिकता वाले आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के बच्चों के लिए गरियाबंद जिला प्रशासन ने मुंबई से विशेष प्रशिक्षण बुलवा कर छत्तीसगढ़ में पहली बार स्लेक लाइन नामक खेल का प्रशिक्षण आयोजित किया है। इसमें रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने का हुनर सिखाने के लिए पहुंचे प्रशिक्षकों ने बताया कि इस खेल से न सिर्फ बच्चों में शारीरिक चुस्ती फुर्ती आती है, बल्कि इसे सीखने वाले बच्चे बेहद जल्दी ध्यान एकाग्रचित करने, लक्ष्य की तरफ बिना बाहरी भटकाव के चलने तथा रस्सी पर चलने की तरह जीवन में भी सटीक बैलेंस करने का हुनर सीख जाते हैं। खास बात यह रही कि इस प्रशिक्षण के शुभारंभ पर जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर तथा जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी आत्मानंद स्कूल पहुंचे। नजारा उस वक्त बेहद रोचक हो गया जब कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ रस्सी पर चलने का प्रयास किया। कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल के बाद जिले के बाकी स्कूलों से भी 10-10 बच्चों का चयन कर उन्हें भी इसका प्रशिक्षण दिलवाने की बात कही है। वहीं कल से इस प्रशिक्षण को नाले की रेत पर करने को कहा। ये सभी लोग जानते हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार की प्राथमिकता वाली योजना में है। इसमें बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर देना है कि जो बच्चा आगे बढ़े, और प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा। जो अभी बच्चे सीख रहे कर रहे हैं उसको स्काईलाइन स्लैक लाइन कहा जाता है। ये एक अलग तरह का स्पोर्ट है जिसमें बैलेंस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए तथा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत उपयुक्त इस तरह का एक नया स्पोर्ट्स डेवलप हो रहा है और वो सेफ भी है। तो हम बच्चों को अभी सभी प्रथम स्टेज में जो हमारे सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तथा जो हिंदी मीडियम स्कूल है वहाँ सिखाएंगे। बाद में बाकी जो भी स्कूल है उनके भी कुछ कुछ बच्चों को छाँट के प्रयास रहेगा कि गरियाबंद जिले के बच्चे इस जो एक अलग तरह का स्पोर्ट्स है उसमें भी आगे बढ़े। ये स्पोर्ट के साथ साथ खासतौर पे कॉन्सेंट्रेशन और उसमें भी हेल्प करता है, तो बच्चों को पढ़ाई में भी हेल्प होगा। हम मुंबई से आए हैं, हमें गरियाबंद के प्रशासन ने बुलाया है। हम इनको स्लैक लाइनिंग करा रहे हैं क्योंकि स्टार्ट में लगता है कि ये एक चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन ये करने के बाद रियलाइज़ होता है, बच्चों को भी मेरी उम्मीद है कि ये रियलाइज़ हो रहा है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, आप मेहनत करो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस खेल के ज़रिए हम बच्चों की और बड़ों की और अपने देश की सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं और पूरे देश को, सबको, खुद को बैलेंस देना चाहते हैं। हम लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसे सीखने में, और सरकार हमें सबसे पहले हमें ही लाया है इस गेम में खिलाने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मतलब बॉडी मेंटेन करने का ये जो है सीखने को मिल रहा है। शासन ध्यान दे रही है स्कूल में? हाँ यस सर, बहुत ध्यान दे रहे हैं और सबसे पहले हमें को ही बुलाया गया यहाँ के लिए। हमें खेल में बहुत मज़ा आ रहा है, इस खेल का नाम स्लैक लाइनिंग है और ये लोग मुंबई से आए हैं हमें सिखाने, और इससे बॉडी मेंटेन होता है, इससे माइंड शार्प होता है, और ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, इसीलिए हम लोग इनको सीखना चाहते हैं और इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं।